बात भी क्यों पलट गए थे सलमान खान, साजिद नाडियाला ने किया था खुलासा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिमकॉम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ अमीषा सिंह। लॉकडाउन में पूरी इंडस्ट्री बंद है, ऐसे में सितारों की स्पॉट की हुई तस्वीरों की बजाय उनकी थ्रोबैक तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फैंस सितारों से जुड़ी इन यादों को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो सामने आया है जब सलमान खान के दोस्त और फिल्म मेकर साजिद नाडियाला ने उनकी शादी को लेकर कई खुलासे किए थे। सलमान का नाम आते ही उनकी शादी का जिक्र भी छिड़ जाता है। बेशक सलमान का नाम कई हीरोइन के साथ जुड़ चुका है, हालांकि एक वक्त था जब सलमान खान शादी के लिए बिल्कुल तैयार थे। सलमान खान और संगीता बिजलानी की शादी की तारीख तक आ गई थी, यही नहीं कार्ड भी छप गए थे। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही सलमान ने शादी से मना कर दिया था। इस बारे में साजिद नाडियाला ने कपिल शर्मा के शो में खुलासा किया था। साजिद ने बताया था कि शादी डिसाइड हो गई थी, कार्ड भी चले गए थे। करीब 25 लोगों को शादी में आना था, लेकिन 5-6 दिन पहले सलमान ने बोला, यार मेरा शादी का मूड नहीं है। इसके बाद मेरी शादी में सलमान स्टेज पर आया और बोले, पीछे गाड़ी खड़ी है, भाग ले, अभी भी वक्त है। बता दें कि साल 2013 में करण जौहर के शो में जब सलमान पहुंचे थे, तब उन्होंने शादी के सवाल पर कहा था कि एक वक्त ऐसा था जब मैं वाकई में शादी करना चाहता था। उस पल तक मैं पहुंच भी गया था, बस थोड़ी सी दूरी थी, कार्ड भी चप चुके थे। जब करण ने पूछा कि क्या उसने तुम्हें पकड़ लिया था, तो जवाब में सलमान ने कहा, नहीं नहीं। बाद में हंसते हुए सलमान ने कहा, ऐसा ही समझ लीजिए, मैं उस वक्त जिस तरह का था उसके लायक भी नहीं था। कहा जाता है उसी दौरान सलमान सोमी अली को भी डेट कर रहे थे। ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिमकॉम न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।